शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कीर्ति, हमारे बेटे को छोड़ दो, वो चोर नहीं है। कीर्ति, ये क्या कर रही है तू? मुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब ऐसे नहीं कर सकते कीर्ति, प्लीज। कीर्ति, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दो, क्या पुलिस वाले कभी गलत नहीं होते? ये किस कानून की किताब में लिखा है? क्या तुम गलत नहीं हो सकती? तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा देवर ये अपराध कर सकता है? जज्बात कानून से बड़े नहीं होते हैं बुआ जी। अभय के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके लिए हमें उसे गिरफ्तार करना ही होगा। अचानक से ऐसे क्यों चिल्लाई? क्योंकि तू मेरी बात नहीं मान रही है कीर्ति। मैं कह रही हूं ना तुझे, अभय चोर नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की है। उस चोर को मैंने खुद देखा है घूंघट में, और वो कोई आदमी था। दीदू, हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत कह रही होंगी। अरे, बब्बर शेर गैंग चोरों का झुंड है। आपने किसी और चोर को देखा होगा, जैसे हमने वहां अभय को देखा था, बूढ़े के भेष में, है ना? बस कीर्ति, हम तब से खड़े होकर तुम्हारा ये बकवास सुनते जा रहे हैं। अब हमें क्यों चला रहे हैं भाभी जी पे? वो तो बस अपना काम कर रही है ना। भाभी जी, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। देखिए, देखिए, अच्छे से देख लीजिए, देखिए। देख लीजिए, आप पूरा पैर देख लीजिए, ये देखिए, पूरा देखिए। हमने तो अभय को ही देखा था, फिर ये छूट के निशान, ये गायब कैसे हो गया? ये कुनाल कहाँ जा रहा है? पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडा, पूरे परिवार के सामने हमारे बेटे को बेइज्जत करके। कीर्ति, बहुत चौकस पुलिस बनती फिरती हो ना, तो तुम्हारा दिल एक बार भी नहीं चौका किसी अपने को इस तरह अपराधी ठहराते हुए? तुमने अभय को चोर कहा, चोर। कीर्ति, अरे कम से कम इतना तो सोचती कि अभय की तबीयत खराब है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन तुम्हारी तो बरसों की दुश्मनी खत्म ही नहीं हो रही है वैसे। कीर्ति भाभी, आप अपनी पुरानी चिड़ का बदला ऐसे निकालेंगे अभय भैया से, उनके ऊपर अपनी वर्दी का रौब जमा के? कीर्ति, भगवान के लिए अपनी ये पुलिसगिरी मेरे भाई और मेरे परिवार से दूर रखो। क्या करे भाई, इनका डिपार्टमेंट उस बब्बर शेर गैंग को पकड़ने में फेल हो गया। सबके सामने, इनके सामने वो हार लेकर भाग गए। अब इनके डिपार्टमेंट को अपनी नाक बचाने के लिए किसी अपने को शहीद तो करना ही पड़ेगा ना। अबे बस भाभी जी, आवाज नीची रखेंगे आज आप। कुछ चाहिए आपको भाभी जी? हाँ, जवाब। मैं कुछ समझा नहीं भाभी जी। तुम तो महा आरती के लिए माता रानी के बड़े मंदिर क्यों नहीं आए?
वो आरती ने बताया नहीं आपको? मुझे अपने काम से जाना पड़ा। हाँ हाँ बताया तो था उसने कि तुमने देर रात तक होने वाला काम उठाया हुआ है। क्योंकि दिन में फ्री फंड का नौकर बना हुआ हूँ अपने ही ससुराल में, आपके पति के चक्कर में। तो अपनी पत्नी के लिए चार पैसे कमाने के लिए रात का ही सहारा लेना पड़ेगा ना मुझे। बात तो वैसे सही है तुम्हारी। वैसे ये क्या काम है तुम्हारा? तलाशी लेना हमारा काम। अगर किसी चीज पे शक है तो सही गलत पता करना हमारा काम है। इस अभय की तरह नहीं, जिसके लिए सही और गलत इसके याददाश्त की तरह उड़ गई। कीर्ति तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना चाहते हैं हम, इस डॉक्टर रोशनी को हमारी दीदू इस घर में लेकर आई थी अभय के इलाज के लिए, और ये क्या कर रहा है? ये उस डॉक्टर के साथ बेशर्मी से प्यार की झूले झूल रहा है। और हमारी दीदू को क्या मिल रहा है? सिर्फ हिकारत। तो बताइए ना चाची जी, ये जो रिश्ता है क्या आपके लिए सही है या गलत? वाह कीर्ति, खुद का रिश्ता तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा है, क्योंकि लगता है तुम भूल गई हो कि कैसे तुम्हारा पति दूसरी औरत अवनी के साथ चक्कर चला रहा था। कनुजा, हमारे बेटे वरुण अभय का साथ दे रहे हैं और आप उल्टा उन्हीं पे वार कर रही हैं। वाह भाभी, आपकी बहू हमारे बेटे पे उंगली उठाई जा रही है, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है, लेकिन आप और आपके बेटे ने एक शब्द तक नहीं बोला। हाँ, और तुम कीर्ति, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़ी दूध की धुली हुई हो? हाँ, दूसरों की गलतियां गिनवाती फिरती हो और खुद के गलतियों का घड़ा फूटने को है। गलती की हमने चाची, और गलती सुधारी भी है, आपने देखा भी। पर आपके बेटे पे जरा सा इल्जाम क्या लगाया, हम तो हमें सुनाने लगे, और वो भी उस बेटे के लिए जो अपनी गलती सुधारना ही नहीं चाहता। बस कीर्ति, बहुत बोल लिया तुमने। भाभी आप भी बस कीजिए ना, राय का पहाड़ बनाना बंद कीजिए। नहीं नहीं चाची जी, तो कीर्ति बस हो गया, शांत हो जाइए अब, बहुत बोल दिया आपने। माँ हम कुछ गलत नहीं। यहाँ के तमाशे में उलझने से बेहतर है कि हम अपनी ड्यूटी पे ध्यान दें। जा रहे हैं। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी नौकरी है जो तुम्हें देर रात तक इतना व्यस्त रखती है? ये सही है। नहीं, पहले अपनी बहन को पुलिस में डालो, फिर उसी के आड़ में घर वालों से पूछताछ करते फिरो। नहीं, वहां आपकी बहन अभय भैया की गर्दन पकड़ी हुई है, और यहाँ आप अपने ही घर के दामाद की गर्दन पकड़ने के फिराक में। वो तो आपके पति की तबीयत खराब है, इसीलिए नौकर बना फिर रहा हूं। कोई और होता ना तो कब का आरती को तलाकशुदा बना के जा चुका होता। इसीलिए मुझसे जरा संभल के बात किया कीजिए आप। भाभी जी, संभल के ही तुमसे बात करूंगी, और संभल के ही अब से तुम पे नजर भी रखूंगी। कुणाल, लगाना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।